कालबैशाखी समय विद्युत काट समस्या समाधान सीपीएनओडीएल पक्ष व्यापक कार्यक्रम निरविच्छिन्न विद्युत जोगाण सहयोग करने को जनसाधारण को कर्तृपक्ष निवेदन। सांप्रतिक ग्रीष्म प्रकोप बेले विद्युत काट और लो भोल्टेज समस्या को नहीं सृष्टि होता जन असंतोष और एने विद्युत वितरण संस्था टीपीएनओडीएल को दोषारोप को खंडन कर्तृपक्ष एने एक सांबादिक सम्मेलन में टीपीएनओडीएल मुख्य निर्वाही अधिकारी बा सीईओ भास्कर सरकार विद्युत काटर कारण और यार निराकरण संपर्क में विस्तृत बरणी प्रदान कर विशेषकर गत किछि दिन धरी जिल्लार विभिन्न स्थान रे लागि रहिथिबा कालबैशाखी स्थिति पई साधारणतः विद्युत काट हेउथिबा से कहिछन्ती। अदिनिया कालबैशाखी रे पवन रो बेग बेसी रुथिबा बेले विद्युत तार उपरे गछ भांगी पडुथिबा जोगु विभिन्न स्थान रे विद्युत काट करा जाउछि। गछ कटा जाई ता उपरु अवरोध हटाइबा पई कार्य समय सापेक्ष होइथिले बि टीपीएनओडीएल रो कर्मचारी माने युद्धकालीन भित्तिरे गछ काटिबा सह विद्युत लाइन को मरामति करुछन्ती। कालबैशाखी परवर्ती क्षतिर स्वल्प समय मध्यरे मरामति सह विद्युत सरबराह जारी रखिबा पई टीपीएनओडीएल सर्वदा प्रयास जारी रखिजी बोली श्री सरकार कहिथिले। एहा व्यतीत किछि किछि समय रे ओवरलोडिंग पई मध्य लाइन ट्रिप हेउछि बोली से सूचना दैछन्ती। टीपीएनओडीएल अधीनरे थिबा बालेश्वर मयूरभंज भद्रक केन्दुझर और जाजपुर प्रभृति पांचटी जिल्ला रे सृष्टि होइथिबा एहि समस्या बे समाधान होइ जाइछि। इतिमध्यरे खराब होइतिबा 47 पावर ट्रांसफर्मर को रिप्लेस करा जाइतिबा बेले अन्यान्य छोटमोटो समस्या खूब कम समय मध्यरे समाधान करा जाउछि। पूर्वरु ग्रामांचल रे लाइन गले 2-3 दिन पर्यंत सही अंचल अंधार रहुथला। एबे टीपीएनओडीएल कर्मचारी श्रमिक और अधिकारी निरंतर उद्यम मात्र 4-6 घंटा मध्यरे विद्युत संयोग होइ पारुछि। टीपीएनओडीएल पक्षरु अत्याधुनिक तथा उन्नत मानर जंत्रांश सांगकु समस्त प्रकार निरापत्ता व्यवस्था जोगाई दिया जाइथिबारु खरा वर्षा भली जेकोनसी समय रे कर्मचारी माने कार्य करि पारिछन्ति बोली श्री सरकार कहिथिले। तबे आगामी दिन रे विद्युत काट भली समस्या जेपरि न रहिबो सेतिप्रति गुरुत्व दिया जाउछि बोली श्री सरकार प्रकाश करिथिले। सबु अंचल रे निरविच्छिन्न विद्युत जोगाइबाकु टीपीएनओडीएल पक्षरु विभिन्न समय रे निया जाउथुबा पदक्षेप रे विद्युत उपभोक्ता तथा जनसाधारण सहयोग करिबाकु से निवेदन करिछन्ती। बहुत लास्ट एक दो महीने से जब कालबैसाखी चल रहा था तो कुछ कुछ जगह में बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस इंटेंसिटी ऑफ द विंड स्पीड कोई कोई जगह में हमको लोकलाइज बहुत डैमेज होने के कारण कंज्यूमर को थोड़ा सा इंटरप्शन देखने को मिला है। बट उसमें एक चीज में हम कंफर्म करना चाहते थे कि जैसे भी कोई कालबैसाखी होता है हमारा पूरा टीम इवन अगल बगल से भी हम टीम डाइवर्ट करते हैं और करके उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको करेक्शन करने के लिए प्रयास लेते हैं। कभी कभी डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि चीज अपरूट होकर गिर जाता है या तो पूरा लाइन पूरा ट्रांसफॉर्मर गिर जाता है। रेगुलर कालबैसाखी होता है, ये इतना लिमिटेड जगह में होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि 30 के भी लाइन जब बंद हो जाता है या पेड़ गिर जाता है पूरा एरिया बंद हो जाता है। हुआ इधर लेकिन पूरा 30 के भी जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पूरा एरिया में प्लस उसका जितना भी ट्रांसफॉर्मर है सब एक साथ बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज दो चीज बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 2 साल में हम लोग मेंटेनेंस पे काफी काम किया है। पूरे लाइन को थर्मो स्कैनिंग किया गया है, पूरे लाइन को अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग से स्कैन किया गया है, पूरा नेटवर्क को लोड फ्लो स्टडी किया है करके ऑलमोस्ट 500 करोड़ प्लस का कैपेक्स इंड्यूस किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, लिंक लाइन हो कि ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी हो। इतने कालबैसाखी में भी एक भी ट्रांसफॉर्मर जला नहीं है, तो लास्ट टाइम 26 ट्रांसफॉर्मर जला था, इस बार एक भी नहीं जला है। और देखिए एक और चीज है, जो एएमसी है हमारा वो हर एक जगह में 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। जैसे भी होता है एक एएमसी के अगर कम पड़ता है तो हम दूसरे जगह से भी उसको पुलिंग करके उसको काम करते हैं। ये 24 घंटा देना हमारा डेफिनेटली विजन है, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन हम ऊपर से शुरू किया। 33 केवी में काफी मेंटेनेंस काफी कैपेक्स हो गया है, 33 केवी स्टेबल हो गया ऑलमोस्ट। अगर कालबैसाखी ना हो तो 33 केवी इज वेरी स्टेबल आवर। 11 केवी में भी काफी स्टेबिलिटी आ गया है। अभी एलटी साइड का काम बाकी है, तो अभी जैसे सरकार की तरफ से भी ODSSP5 प्रोजेक्ट में कुछ फंड दिया जा रहा है उसमें, और हमारा जो कैपेक्स है 500 करोड़ का कैपेक्स, इस बार भी और 450 करोड़ हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसके थ्रू अभी हम मेजर फोकस कर रहे हैं एलटी साइड में। बिकॉज अभी जितना भी इंटरप्शन देख रहे हैं कंज्यूमर वो मेजरली एलटी साइड के लिए हो रहा है। बिकॉज एलटी साइड में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है, एलबी सर्किट ब्रेकर नहीं है, उसके कारण एलटी साइड में कोई भी फॉल्ट होता है ना तो इलेन के भी 30 के भी पूरा ट्रिप करा देता है। अन्य मानक मध्य टीपीएनओडीएल चीफ ऑफ ऑपरेशन नीलेश फुटफड़े,
वरिष्ठ लोकसंपर्क अधिकारी चित्तरंजन प्रधान एही सांबादिक सम्मेलन रे उपस्थित थिले।